छेवें पातशाह धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अते दसवें पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की चरण छो प्रापत गुरद्वारा श्री मंजी साहिब बाउली साहिब अंबाला शहर का एक प्रसिद्ध अस्थान है। दीन दुनी दे मालक धन सच्चे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने श्री अमृतसर साहिब तो दिल्ली जांदियां इस पवित्र अस्थान ते एक रात का पड़ा किया। गुरु पातशाह जी कोल संगतां ने यह बेनती की कि हे सच्चे पातशाह इस अस्थान ते पानी दी बहुत किल्लत है, कृपा करके जल दी बख्शिश करो। श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने संगत दी यह बेनती प्रवान की ते इस अस्थान ते जिथे हुण बाउली साहिब मौजूद है टक लगा के कहा कि बाउली दी खुदाई शुरू करो। जिस तो बाद गुरु पातशाह जी ने अंबाले दी संगत नू कथा कीर्तन अते हरजस दी गुड़ती दे के दिल्ली वल्लू चाले पा दित्ते। श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दिल्ली पुजे ते बादशाह नाल मुलाकात कीती। 1612 ईस्वी विच जदों बंदी छोड़ दाता जी 52 कैदी राजियां नू रिहा करवा के दिल्ली पुजे ते उस वेले दिल्ली तो वापस पंजाब जाउंदे अंबाला दी धरती नू एक बार फिर अपने चरण कमला नाल पवित्र करदे हुए दोबारा गुरद्वारा श्री मंजी साहिब बाउली साहिब दे इस मुकद्दस अस्थान ते आए सन। तद तक श्री बाउली साहिब भी तैयार हो चुकी सी ते गुरु पातशाह जी ने बाउली साहिब नू भी ए वर दिता कि जो प्राणी इस पावन जल नू छकेगा अते इशनान करेगा उस दे सारे रोग निवृत्त हो जाणगे ते शुभ मनोकामनावां पूरियां होणगियां। इत्थे बाउली साहिब दे प्रगट होण करके ही इस अस्थान दा नां गुरद्वारा श्री मंजी साहिब बाउली साहिब प्रसिद्ध हो गया। श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जो दुनियावी रिश्ते वजों छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक सतगुरु जी दे पोतरे लगते हैं इस पावन अस्थान नू गुरु दादा जी वांग उन्हां दी वी चरण छो प्राप्त है। श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी अपने नानके पिंड श्री लखनौर साहिब विच रहिंदे समय शिकार दे बहाने बेअंत जीवां नू तारदे अते बाल चोज करदे हुए कई बार इस पावन अस्थान ते पधारे सन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।